नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर रेलवे से जुड़ी हुई। मीरा रोड अंतर्गत 21 मई को एक छोटे बच्चे के हाथ से बैग लेकर फरार होने वाले एक आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इसी खबर में एक खबर और है, वो भी रेलवे विभाग की आरपीएफ को लेकर ही है। हाल ही में रेलवे विभाग ने आरपीएफ जिस तरह से काम करती है उसके अंदाज को बयां करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। तो ये दोनों खबर इस खबर में है। थोड़ी सी खबर के बारे में विस्तार से आपको बताता हूं तो ऐसा है कि जो पहली खबर जिसकी बात कर रहे थे, 21 मई को एक रेलवे प्रवासी जिसके साथ में उसका छोटा बच्चा था, उसके हाथ में बैग था, वहां से एक चोर उसका बैग ले उड़ा, उसमें रखे हुए पैसे और सामान ले उड़ा। उसकी जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने चोर को धर दबोचा और सामान बरामद कर लिया। यह घटना है अभी हाल ही की, 21 मई को घटना घटित हुई थी और कुछ ही दिनों में चोर का पता कर लिया गया। वहीं जो आगे का वीडियो है उसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि रेलवे ने एक वीडियो जारी किया है किस तरह से आरपीएफ काम करती है उसका पूरा उसमें ब्यौरा दिया गया। अभी हाल ही में रेलवे मंत्री ने आरपीएफ के जवानों को अलग अलग उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया था, उस प्रोग्राम अंतर्गत ये वीडियो जारी किया गया। देखिए इन दोनों वीडियो को आगे, अभी के लिए इतना ही। पुलिस स्टेशन के हड्डी में मीरा रोड स्टेशन पे दिनांक 21/5/2022 को रात को 9:30 बजे मीरा रोड रेलवे स्टेशन फराग क्रमांक 3 पे एक कंप्लेनेंट अपने बच्चे के साथ में रेलवे से जा रहे थे। तो बच्चे के हाथ में जो उनका शोल्डर बैग था वो किसी कल्प्रिट ने चुराया था। उसका तपास एएसआई पठान और उनका टीम कर रहा था। उनको योग्य मार्गदर्शन से उनको तपास करने के लिए बताया गया था। आज उन्होंने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है। उसको उसके इंक्वायरी में आरोपी से 2 मोबाइल फ़ोन और 50,500 रुपये रोकड़ ऐसा पूरा 93,497 का मुकदमा जब्त किया है। सर, इसमें ऐसा पता चला है कि ये बैग जो चोरी हुई थी 10 साल के बच्चे के पास से, जो मुसाफिर कर रहा था उसके पास से, जो तो आप लोगों को मुसाफिर को क्या आह्वान करेंगे? हाँ, इस घटना में कंप्लेनेंट का ये बच्चे के हाथ में वो बैग थी जिसमें मूल्यवान चीज़ें थी जो चोरी हो गई थी। मैं रेलवे प्रवासियों को और मुसाफिर लोगों को यही आह्वान करूँगा कि लोगों ने रेलवे से सफ़र करते वक्त कोई भी मूल्यवान चीज़ जर जवाहर अपने बच्चों को मत दो और अपने मूल्यवान चीज़ों का और बच्चों का ध्यान रखो ताकि उनसे कोई ऐसी गुनेगारी करने का चांस ना मिले। हर गाड़ी हर स्टेशन पर तैनात मिले हर पल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। यात्रीगण की रक्षा में है सक्षम और कुशल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। बच्चों बूढ़ों महिलाओं पर आए न कोई खतरा, आए न कोई खतरा। रेल परिसर के चप्पे चप्पे पर अपना पहरा, चप्पे चप्पे पर पहरा। घर से भागे हुए नौनिहालों को घर पहुंचाते, पुनर्मिलन उनका होता है लेकिन हम सुख पाते, लेकिन हम सुख पाते। मुसाफिरों के दिल में जगह बनाने में अव्वल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल।
घायल और बीमारों को हम अस्पताल पहुंचाते, हम अस्पताल पहुंचाते। चोरों और दलालों को हथकड़ियां है पहनाते, हथकड़ियां है पहनाते। जो दुश्मन है पर्यावरण का उस दुश्मन से लड़ेंगे, तस्कर और नशे के सौदागरों का अंत करेंगे, हम अंत करेंगे। रेल पथ पर गश्त लगाता रहता गश्ती दल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। हम हैं तत्पर, कोई पटरी पार नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए। मेलों और जुलूसों वाले दिन बाधा ना आए, समय पर चले समय पर पहुँचे अपनी मंजिल, उसके रास्ते में कोई भी खड़ी न कर दे मुश्किल, खड़ी न कर दे मुश्किल। अपना है उद्देश्य सभी की यात्रा रहे सफल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। रेल संपत्ति देश की संपत्ति, हम रक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं। इसकी रक्षा में हम प्रहरी हद से गुजर सकते हैं, हद से गुजर सकते हैं। श्वान की दस्ते साइबर सीसीटीवी लगा लिए हैं, हमने कितने आतंकी हमले नाकाम किए हैं, हमले नाकाम किए हैं। संकट में हर रेल मुसाफिर को देता संबल, रेल सुरक्षा बल, देश के कोने कोने तक हमने विस्तार है पाया, हमने विस्तार है पाया। परदेशों में जाके अपना परचम भी लहराया, परचम भी लहराया। मजबूती से विश्व शांति सेना के साथ खड़े हैं, मान बढ़ा भारत का अपने कदम जहां भी पड़े हैं, कदम जहां भी पड़े हैं। कर्तव्यों के पालन में है चौकस और अटल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।